इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 14 सितंबर के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। आज के दिन 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया था, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश दुनिया के इतिहास में 14 सितंबर की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज के दिन 1770 में डेनमार्क में प्रेस की स्वतंत्रता को मान्यता दी गई थी। भारत में सती प्रथा खत्म करने वाले लॉर्ड बेंटिक का जन्म आज ही के दिन 1774 में हुआ था। आज ही के दिन 1833 में विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल के तौर पर भारत आए थे। 1901 में आज ही के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम मैकेंजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज ही के दिन 1917 में रूस को आधिकारिक तौर पर गणतंत्र घोषित किया गया था। देश के पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री राम जेठमलानी का जन्म आज ही के दिन 1923 में हुआ था। आज ही के दिन 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। 1959 में आज ही के दिन सोवियत संघ का अंतरिक्षयान पहली बार चंद्रमा की सतह पर उतरा था। आज ही के दिन 1960 में खनिज तेल उत्पादक देशों ने मिलकर ओपेक की स्थापना की थी। भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी रॉबिन सिंह का जन्म आज ही के दिन 1963 में हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार शंकर बंदोपाध्याय का निधन आज ही के दिन 1971 में हुआ था। हिंदी सिनेमा के जाने माने संगीतकार रामकृष्ण शिंदे का निधन आज ही के दिन 1985 में हुआ था। आधुनिक राजस्थान के प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी कवि चंद्र सिंह बिरकाली का निधन आज ही के दिन 1992 में हुआ था। आज ही के दिन 1998 में माइक्रोसॉफ्ट जनरल इलेक्ट्रिक को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी थी। 2001 में आज ही के दिन आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के अभियान के लिए अमेरिका में 40 अरब डॉलर मंजूर किए गए थे। आज ही के दिन वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिकी सीनेट के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। 2003 में आज ही के दिन गुयाना बिसाऊ में सेना ने राष्ट्रपति कुम्बा माला की सरकार का तख्ता पलट किया था। आज ही के दिन 2007 में जापान ने तानेगासिया स्थित प्रक्षेपण केंद्र से पहला चंद्र उपग्रह H2A प्रक्षेपित किया था। 2008 में आज ही के दिन रूस के पेर्म हवाई अड्डे पर एरोफ्लोट का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में सवार सभी 88 लोगों की जान चली गई थी। आज ही के दिन 2009 में भारत ने श्रीलंका को 46 रन से हराकर त्रिकोणीय सीरीज का कॉम्पैक कप जीता था। 2009 में आज ही के दिन भारत के लिएंडर पेस और चेक गणराज्य के लुकास लोही ने महेश भूपति मार्क नोल्स की जोड़ी को हराकर US ओपन का खिताब जीता था। आज ही के दिन 2016 में पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के पदकों का आंकड़ा 4 हो गया था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।